जहानाबाद नगर थाना अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के समीप गल्ला व्यवसायी रमेश साव के दुकान में ट्रैक्टर से सरकारी खादान उतारा जा रहा था। तभी अनुमंडल पदाधिकारी परितोष कुमार गुप्त सूचना के आधार पर सरकारी खादान की हो रही कालाबाजारी को पकड़ लिया और मौके पर पहुंचकर लगभग 100 बोरा चावल बरामद किया। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। रमेश साव नामक गल्ला व्यवसायी के गोदाम में लगभग 100 बोरा चावल उतारा जा रहा था, जो सरकारी खादान प्रतीत होता है। ट्रैक्टर से चावल उतारने का काम गल्ला व्यवसायी रमेश साव खुद कर रहा था और पूछे जाने पर अनभिज्ञता जाहिर की और चावल कहां से लाया है यह बता नहीं पाया। ट्रैक्टर सहित चावल को नगर थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। निशांत कुमार की रिपोर्ट। पहले रमेश साहब का घर है यहाँ SBI मेन ब्रांच के पास, और इसमें चावल के बोरे उतारे जा रहे थे, जिसके बारे में यह संदेह है कि PDS का चावल है। चावल अरवा है और जो PDS में सप्लाई होता है वही चावल है। यहाँ पर आकर के घर में पूछताछ की गई, जिनका घर है और जिनकी दुकान है, तो दोनों को ये पता नहीं कि चावल कहाँ से आया है। जिनका घर है उनका नाम रमेश साहब है, उनका कहना है कि हम लेबर का काम करते हैं, वो खुद ही चावल का बोरा उतार रहे थे ट्रैक्टर से। और जिनकी दुकान है नगेंद्र पंडित, उनका कहना है कि हमको नहीं पता कि चावल कहाँ से आया है। तो ये इशारा करता है इस तरफ कि ये PDS का ही चावल है और उसकी ब्लैक मार्केटिंग करके यहाँ तक लाया गया, जिसके बारे में लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे। तो क्या लगता है सर, कालाबाजारी के उद्देश्य? हाँ बिल्कुल, कालाबाजारी के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से तो यही लगता है। अब आगे आपके स्तर से क्या, इसको जब्त किया जा रहा है और आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो लोग इसमें संलिप्त हैं। लगभग कितना चावल होगा? ये करीब 100 बोरा के आसपास है, उससे कुछ कम या ज्यादा हो सकता है। जब सारे चावल लोड हो जाएंगे तो उससे गिनती संबंधित लोगों पर सर आगे क्या।